नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल करमीर में। पीएमओ में एडमिशन लेने के बाद कई बार कागजात की कमी रह जाती है या हम गलत अपलोड कर देते या तो उस केस में ऑब्जेक्शन आता है। ऑब्जेक्शन के लिए मैंने आपको बता दिया का आप जो सबसे नीचे यहाँ पर अपना स्टेटस देखेंगे या सबसे यहाँ एडमिशन ट्रैक करेंगे तो आपको ये इस तरह का पेज खुलेगा। आप यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर आप डालेंगे जो 6 अंकों के होते हैं, उसके बाद आपकी डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, फिर सबमिट पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद ये पेज आ जाएगा। तो यहाँ पर आप कोई भी ऑब्जेक्शन है वो या दर्ज होगा और उसके लिए मोबाइल पर मैसेज भी आता है। तो आज मैं आपको बताऊँगा वो डॉक्यूमेंट अपलोड कैसे करने हैं। तो ये वेबसाइट है, इसमें सबसे लास्ट में जाएंगे तो ये अपलोड डॉक्यूमेंट्स है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इस तरह का ये पेज खुल जाएगा। तो इसमें वही आपके जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आपको यहाँ पर डालने हैं और उसके बाद आपका जो जन्म तिथि है वो यहाँ से कैलेंडर से लेनी है और उसके बाद ये यहाँ जो कैप्चा होगा वो आपको डालना है यहाँ पर और सबमिट करना है। तो उसके लिए फिर एक फाइल अपलोड करने का ऑप्शन आएगा, उस फाइल में जाएंगे तो फिर आपकी जैसे कंप्यूटर में वो फाइल पर जाएगा या मोबाइल में वो फाइल आपको जैसे अपलोड करते हैं तो अपलोड कर देंगे और फिर ये सबमिट कर देंगे। ये तरीका होता है। कभी मेरे पास किसी का जो अपलोड करने का कोई है नहीं तो मैं आपको प्रैक्टिकल करके बता, लेकिन अपलोड डॉक्यूमेंट जाके ये जो डॉक्यूमेंट है वो अपलोड कर दिए जाते हैं तो उसके बाद आपका जो वेरिफिकेशन होता है और फिर आपको स्कॉलर नंबर मिलते हैं। तो वीएमओ में एडमिशन लेने के बाद जब भी ऑब्जेक्शन आता है या डॉक्यूमेंट अपलोड करने हो तो उसका यही तरीका है। और इस तरह से कोई अगर सूचना है तो उसका आपको कोई अगर सूचना चाहिए तो आप कमेंट करिए। और ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑल पर क्लिक कर दें। जैसे इस तरह का महत्वपूर्ण वीडियो बनेगा उसका नोटिस आपको मिल जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।